सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने अपने स्मार्टफोन में कभी ना कभी जरूर से फेस किया होगा। सो हम बात करने वाले हैं फोन के हीटिंग इश्यूज को लेकर, और इस वीडियो को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि फोन आखिर हीट क्यों होता है, बहुत ज्यादा हीट अगर आपका फोन प्रोड्यूस करता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि आपके फोन का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, और अगर आप अपने फोन के टेम्परेचर को चेक करना चाहते हैं वो भी बिना थर्मोमीटर के तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, और जो वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि आपके फोन के अंदर अगर हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सो गाइस, मेरा नाम है तोशिन एंड यू आर वॉचिंग तोशिन्स टेक। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर फोन बहुत ही ज्यादा अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर फोन के हीट होने के बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन रीजंस देखे गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप अपने फोन में बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक टाइम में बहुत सारी एप्स यूज कर रहे हैं और अपने फोन को रेगुलरली काफी टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके फोन के जो प्रोसेसर होता है उस पर बहुत ही ज्यादा लोड आता है और आपका जो फोन का प्रोसेसर है वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। अब यहां पर आप अगर इस सीपीयू को देखेंगे तो इसकी तो साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसमें फैंस भी लगे होते हैं जिससे कि इसको कूल रखने में मदद करते हैं। अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर हीट प्रोड्यूस करता है तो इसमें तो फैंस लगे होते हैं जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहता है। अब स्मार्टफोन की जो साइज है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब हम फोन में तो पंखे नहीं लगा सकते हैं, फोन में तो फैन नहीं लगा सकते हैं, यहां पर फोन का जो बैक पैनल होता है वो भी बिल्कुल कवर्ड होता है, तो आखिर एक प्रोसेसर कैसे मैनेज करता है कि वो बहुत ज्यादा हीट ना हो और अपने फोन की जो परफॉर्मेंस है उसको भी वो मैनेज कर पाए। तो देखिए, अगर आप अपने फोन को नॉर्मल यूजेस करते हैं, बहुत ज्यादा हेवी यूज नहीं करते हैं, उसके बाद में भी आपका फोन हीट प्रोड्यूस करता है फोन को चार्जिंग करते टाइम, या फिर फोन बिल्कुल रखा हुआ है लेकिन फिर भी आपका फोन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फोन आप चार्जिंग कर रहे हैं या फिर फोन को आप फुल ब्राइटनेस पर यूज कर रहे हैं, या फिर फोन में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओनली फोन को लॉक करके आपने फोन को टेबल पर रखा हुआ है फिर भी आपका फोन बहुत ज्यादा वार्म हो रहा है, तो ऐसे में जो रीजन है वो हो सकता है आपने जो लेटेस्ट फर्मवेयर के थ्रू आपने अपने फोन को अपडेट किया है, वहां पर एक रीजन हो सकता है आपके फर्मवेयर में कुछ बग्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फोन में बिना कुछ किए भी फोन जो है वो काफी ज्यादा हीट होता है और फोन को हाथ में लेने पर फोन वार्म फील होता है। कब? जब आप फोन को चार्जिंग पर लगा रहे हैं, फोन को आप चार्ज कर रहे हैं, फोन को आप सिर्फ ऐसे ही टेबल पर रखे हुए हैं लेकिन फिर भी फोन आपका हीट प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर जो रीजन निकल कर आता है वो आता है फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट के बग को लेकर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तो आपको कंपनी की तरफ से ही देखने को मिलता है, और हम बात कर रहे थे यहां पर फोन में मल्टीटास्किंग को लेकर और फोन के प्रोसेसर पर लोड को लेकर। तो यहां पर अगर आप एक टाइम में काफी सारी एप्स यूज करते हैं या फिर आप अलग अलग एप्स को एक ही समय में यूज करते हैं और आप अपने फोन में जो वर्क है वो काफी ज्यादा टाइम तक करते हैं, ऐसे में आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर लोड आता है जिससे कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे में आपके फोन का जो बैक पैनल है जहां पर चिपसेट हुआ होता है वो पार्ट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो गाइस, यहां पर यही जो रीजन है वो देखे गए हैं कि आखिर फोन हीट क्यों होता है। सो गाइस, यहां पर अब बात करते हैं कि आप अपने फोन के टेम्परेचर को कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बिना थर्मोमीटर के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो आपके स्मार्टफोन की पूरी कुंडली निकाल देगी कि आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सा सीपीयू है, कौन सा जीपीयू है, कितने एमएच की बैटरी है, बैटरी कितनी चार्जिंग के वोल्ट को सपोर्ट करती है, आपके फोन में कितने सेंसर हैं, सभी कुछ ओवरऑल ए टू जेड आपके फोन की जो कुंडली है वो ये ऐप निकाल देती है। इससे आप अपने फोन के टेम्परेचर को भी चेक कर सकते हैं, वो भी बिना थर्मोमीटर के। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर आपके फोन का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर आपके फोन में सही है, अगर उतना टेम्परेचर होगा तो आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहां पर जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनीज है उनका कहना है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए वो 32 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो वो नॉर्मल है,
और यहां पर अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 0 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपके फोन का टेम्परेचर है तो ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर आपके स्मार्टफोन का होगा तो वो बहुत ही जो है गलत है, इतना ज्यादा टेम्परेचर आपके फोन का नहीं होना चाहिए। सो आप बिना थर्मोमीटर के अपने फोन का टेम्परेचर कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा अपने स्मार्टफोन में और उस ऐप का नाम है CPU Z। प्ले स्टोर में ये ऐप आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। इस ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ये ऐप कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में इस ऐप का जो इंटरफेस है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम ऊपर वाले ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो आपके स्मार्टफोन की शो हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर फोन के SOC से लेकर जो डिटेल्स है वो आपको सामने देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर डिवाइस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो डिवाइस की सारी आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि आपके फोन की डायमेंशन क्या है, कितने इंच की डिस्प्ले है, कितनी रैम है, कितनी स्टोरेज है, सभी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बैटरी में जाएंगे तो बैटरी से रिलेटेड है। इस तरह से आपको अपने स्मार्टफोन की पूरी A to Z कुंडली इस ऐप के जरिए आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके फोन में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, कौन से सेंसर है, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि इस ऐप की मदद से आप अपने फोन के टेम्परेचर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है बैटरी वाले सेक्शन में। बैटरी वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको बैटरी की हेल्थ दिखाई देगी नीचे लेवल, उसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी के नीचे टेम्परेचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो देख सकते हैं बार बार चेंज हो रहा है, पहले 33 था अभी 34 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सो ये टेम्परेचर यहाँ पर बैटरी का शो हो रहा है। इसी के साथ में आपके फोन के हार्डवेयर के हर एक पार्ट का टेम्परेचर देखने के लिए आपको यहाँ पर थर्मल वाले ऑप्शन में जाना है। थर्मल वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको आपके फोन के हर एक हार्डवेयर पार्ट का टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है, जिसमें यहाँ पर सारे सेंसर्स का टेम्परेचर शो हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर के हर एक पार्ट का टेम्परेचर यहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी बिना थर्मोमीटर के। सो गाइस ये ऐप आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको इससे पहले इस ऐप के बारे में नहीं पता था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो अब बात करते हैं कि आप अपने फोन में हीटिंग इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है और आपके फोन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा है, तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। अगर आपके स्मार्टफोन के फर्मवेयर में कोई भी बग्स हुआ तो उसका सॉल्यूशन यहां पर आपको कंपनी की तरफ से ही देखने को मिलेगा जब कंपनी आपके फोन में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करेगी। सो गाइस यहां पर अगर आपके फोन में किसी बैकग्राउंड ऐप की वजह से या फिर काफी सारी ऐसी ऐप जो आप यूज नहीं कर रहे लेकिन वो फिर भी बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को कंज्यूम कर रही है, यहां पर सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में यहां पर मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन। आप किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं सभी में ये तरीका जो है वो काम करता है। और यहां पर आपको हर एक स्मार्टफोन की सेटिंग में, हर एक ब्रांड के स्मार्टफोन की सेटिंग में बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यह हो सकता है आपके फोन में अलग नाम से हो लेकिन यहां पर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में बैटरी एंड डिवाइस केयर नाम से देखने को मिल जाता है। जो सबसे पहला स्टेप है वो है सबसे पहले आपको अपने फोन को ऑप्टिमाइज करना है। यहां सकते हैं नो हाई बैटरी यूजेस डिटेक्ट, नो ऐप क्रैश डिटेक्ट, 7 बैकग्राउंड एप्स क्लोज। अब मेरा फोन जैसे रखा हुआ था, मैं फोन को यूज नहीं कर रहा था फिर भी 7 बैकग्राउंड एप्स फोन में रन कर रही थी, तो उसको इसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। सो यहां पर ये तो है फर्स्ट स्टेप, इसको हम डन करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। यहां पर आपको बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद में यहां पर आपको बैकग्राउंड यूजेस लिमिट्स में जाना है। इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है पुट अनयूज एप्स टू स्लीप, तो सबसे पहले तो इसको अगर आपको ये डिसेबल दिखता है तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है जिसे आप काफी लंबे टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं उसको ये स्लीप कर देगा, मतलब वो ऐप जो है वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले जो स्लीपिंग ऐप्स है उस पर आप टैप करेंगे तो आपके फोन में ऐसी ऐप जिसे आप यूज नहीं करते हैं तो उसे आप स्लीपिंग ऐप्स में डाल दीजिए, मतलब आपके फोन में जितनी भी ऐप
एप्स होगी, यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के सारी ऐप्स यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें से अगर आप जो भी ऐप यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से आप इन ऐप्स को ऐड करेंगे तो ये जो ऐप्स है वो स्लीपिंग ऐप्स में ऐड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डीप स्लीप का। डीप स्लीप का मतलब ये है, ये जो डीप स्लीप वाला ऑप्शन है उसमें अगर आप किसी ऐप को कभी नहीं यूज़ करते हैं लेकिन उसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से उन ऐप्स को प्लस के आइकन पे क्लिक करके डीप स्लीप में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस ऐड कर लेता हूँ, डीप स्लीप में ऐड हो चुकी है, इससे कि ये कभी भी आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी और आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप यहाँ पर नेवर स्लीपिंग वाले ऐप ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप वो ऐप ऐड कर सकते हैं जिसे आप कभी भी स्लीपिंग में नहीं डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को आप जब फॉलो करेंगे उसके बाद में आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस और बैटरी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही आपका फ़ोन जो हीट प्रोड्यूस करता है, फ़ोन जो हीट होता है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये प्रोसेस फॉलो करने से। सो गाइस यही सब कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज देखने को मिलती रहती है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर